हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गुड लक रेसिंग टिप्स। तो आज की रेस की बात करते हैं। कलकत्ता रेस डेट हेट 7 लेवल 2024 टोटल रेस गाड़ी 6 रेस का गाड़ी एंड मेरे सबसे ठीक ठाक गाड़ी दिख रहा है। बट रेस है तो इसलिए पूरी रेस मत कीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगे वही रेस कीजिए। ओके, तो बात करते हैं हम अभी कलकत्ता का फर्स्ट रेस का, द आशना हैंडीकैप क्लास 5 1400 मीटर। सो कलकत्ता का फर्स्ट रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ वन नंबर हॉर्स बैंसकी जॉकी एमडी समीर मोहम्मद समीर। ओके, बिकॉज लास्ट स्टूडेंट्स में थोड़ा फॉर्म दिखाया घोड़े ने, से एक ही प्रॉब्लम और इंटरफेयर हो गया था और लास्ट टाइम विप लॉस्ट होने के बावजूद भी ये घोड़ा थर्ड हो चुका है। ओके, तो एक बेटर परफॉर्मेंस दे चुका है बैंसकी। ओके, वेट तो सेम कैरी कर जा रहा है, सेम राइडर है। ओके, स्टार्ट भी सही लेता घोड़ा, जस्ट एक बार एरोपोली जैसे घोड़े को भाग चुका है बहुत पहले रोका को। सो लास्ट टू रन्स में इसने परफॉर्मेंस दिया पर लास्ट टाइम थोड़ा गलती हो गया, वीप लॉस हो गया था। आई होप अभी इस वक्त गलती ना करे, वैसे तो बोर्ड पे आना चाहिए बैंस की इजिली। तो बात करते हैं उसी रेस का, कलकत्ता का फर्स्ट रेस का हमारा जो सेकंड चॉइस होगा डैट विल बी अ 4 नंबर हॉर्स लाइन अप एंड कलेक्ट जॉकी पी ट्रेवर। ओके, बिकॉज इतना रन्स तो नहीं हो चुका है पर लास्ट रन देखे जाए तो 4 तो है। ओके, ठीक ठाक रन है, वेट तो सेम कैरी कर जा रहा है, सेम राइडर है, जस्ट एक ही प्रॉब्लम हो रहा है कि स्टार्ट लेने में। ओके, इस वक्त कभी मतलब स्टार्ट ज़रूर लेना चाहिए तो ही ये परफॉर्मेंस बेटर देगा। लाइनअप कलेक्ट नहीं तो घोड़ा अच्छा है, स्पीड घोड़ा है, जस्ट पीछे रह रहा है घोड़ा। आई होप अभी इस वक्त स्टार्ट लेगा तो कुछ ना कुछ कर सकता है। वैसे एक बार और मान लो जैसे घोड़े को थर्ड हो चुका है, बस इतना ही बोल सकता हूँ। सो थोड़ा ओपनिंग आ रहे तो इसलिए फर्स्ट रेस में 1 एंड 4 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का ही चांस दीजिए। तो बात करते हैं अभी कलकत्ता का सेकंड रेस का, द कॉमेडी ऑफ एरर्स हैंडीकैप क्लास 3 लेवल 100 मीटर। सो कलकत्ता का सेकंड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज अ 4 नंबर हॉर्स बंडल ऑफ चार्म जॉकी है संदेश। ओके, बिकॉज यहाँ से रन देखे जाए तो बहुत सही है, फॉर्म दिखाया लास्ट टाइम 4th हुआ है। ओके, वेट भी मेरे सबसे सही है, सेम राइडर है। ओके, स्टार्ट भी सही लेता घोड़ा, सेरेटिक हार्ली क्वीन जैसे घोड़े को 4th हो जाएगा, इतना खास तो नहीं। क्रिस्टेल्डो सेकेंड, वैसे मेरे हिसाब से इतने तो खास तो फील्ड नहीं देखा है बंडल ऑफ चार्म। जस्ट लास्ट फ्यू रन देखे जाए तो उसका ठीक ठाक है, बोर्ड पे आ रहा है, फॉर्म है, सेम राइडर है, उसी के बॉलो राइड के हिसाब से बंडल ऑफ चार्म बोर्ड पे आना चाहिए। सो बात करते हैं उसी रेस का, कलकत्ता का सेकेंड रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डैट विल बी अ 6 नंबर हॉर्स साइरिने का जॉकी अंकुश। ओके, घोड़ा तो अच्छा है बिकॉज देखिए हमेशा बोर्ड पे लास्ट टाइम भी एज अ विनर है 3.25 लेंथ से, वेट भी कम लेके जा रहा है, ऊपर से -4 अलावेंस से अच्छा राइडर था। बट आप अंकुश है, वेल अच्छा ही राइडर बट जॉकी के पास स्वीप नहीं है, जस्ट पुशिंग करके जाना है अंकुश को। तो देखिए स्टार्ट भी अच्छा ले रहा था पर लास्ट अभी तक खराब स्टार्ट लेने के बावजूद ये घोड़ा 3.25 लेंथ से जीत चुका है, जस्ट अंकुश को पुश करके जाना है। आई होप परफॉर्मेंस देना चाहिए सायरिनी का क्योंकि हमेशा बोर्ड पे, इसलिए ओके। तो फिर भी यहाँ पे मेरे सबसे सेकंड रेस में भी आप 4 एंड 6 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का ही चांस दीजिए। तो बात करते हैं अभी कलकत्ता का थर्ड रेस का, द कैस्केड हैंडीकैप क्लास 4 1200 मीटर। सो कलकत्ता का थर्ड रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ द 7 नंबर हॉर्स स्काई फोर्स जॉकी यश नरेडू। ओके, एक ही रन हो चुका है और लास्ट टाइम एज अ विनर है 4 लेंथ से, वेट भी सेम कैरी करके जा रहा है, सेम राइडर है, ऊपर से फ्रंट रनर है। ये फील्ड के सबसे मैथंकी एक अच्छा घोड़ा है, उसको विन मार चुका है तो आ जाना चाहिए इजिली बोर्ड पे स्काई फोर्स। तो बात करते हैं उसी रेस का, कलकत्ता का थर्ड रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 2 नंबर हॉर्स एक्स्ट्रावेगन स्टार जॉकी इमरान चिश्ती। बिकॉज हमेशा बोर्ड पे घोड़ा लास्ट टाइम स्टम्पल्ड होने के बावजूद ये घोड़ा जीत चुका है 3 लेंथ से, वेट मेरे सबसे ठीक ठाक है, मुस्तकी मालूम था। वेल अभी इमरान चिश्ती है, स्टार्ट लेने में कोई इश्यू नहीं है, अच्छा लगता है स्टार्ट। वैसे बहुत पहले गिनीज में डेस्ट्रॉयर जैसे घोड़े को भाग चुका है और उसके बाद परफॉर्मेंस सही है घोड़े का, तो बोर्ड तो नहीं छोड़ रहा एक्स्ट्रा वैगन स्टार, तो ईजिली बोर्ड पर आना चाहिए मेरे हिसाब से। ओके, सो थर्ड रेस में 2 और 7 में आपको जो रेस लगे उसका विनिंग प्लेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं अभी कलकत्ता का फोर्थ रेस का, द मल्टी मैजिक हैंडीकैप क्लास 3 1400 मीटर।
सो कैलकाटा का फोर्थ रेस कावर जो फर्स्ट चॉइस है, डेट इज अ 3 नंबर हॉर्स, फॉरेस्ट फ्रेग्रेंस जो कि सी उमेश, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए ऊटी में भागा है, बैंगलोर भी भागा है, और लास्ट टाइम कैलकाटा में आने के बाद 2 टाइम थर्ड हो चुका है, बट बहुत ही टाइट फील्ड में जो कि फिलीज और डर्बी में लास्ट टाइम थर्ड हो चुका है, सो वेट का कोई इशू नहीं है। संदेश था भी सी उमेश है, अच्छा राइडर है, ओके स्टार्ट का भी कोई इशू नहीं है। कास्टिल ऑफकोर्स डर्बी विनर है, उसको थर्ड हो चुका है, उससे पहले ट्रैक जैसे घोड़ी को भी थर्ड हो चुका है, ओके तो आई थिंक इजिली बोर्ड पे आना चाहिए फॉरेस्ट फ्रेग्रेंस। तो बात करते हैं उसी रेस का, कैलकाटा का फोर्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 5 नंबर हॉर्स फिनली जो कि है पी ट्रेवर, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए बैंगलोर एंड मैसूर का घोड़ा है, सो परफॉर्मेंस सही है हमेशा बोर्ड पे, ये घोड़ा लास्ट टाइम गिनीज में सेकेंड हो चुका है, वेट कम लेके जा रहा है। अक्षयता अभी पी ट्रेवर है, ओके जस्ट स्टार्ट का इशू है, आई होप अभी इसे स्टार्ट अच्छा लेना चाहिए, ऑफकोर्स एक्सलेंट लास्ट जैसे घोड़े को सेकेंड हो चुका है जिसमें, ओके बहुत पहले लॉटरी लेजर जैसे घोड़े को भी भाग चुका है, सो आई थिंक रेस इन दोनों में होना चाहिए। सो मेरे सबसे फोर्थ रेस में 3 एंड 5 में आपको जो रेस लगे उसका विनिंग आप रेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं हम अभी कैलकाटा का फिफ्थ रेस का, द बुलेट कप क्लास 2 1400 मीटर, सो कैलकाटा का फिफ्थ रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज़ अ 1 हॉर्स, डेट इज़ अ ट्रैकिला ऑफकोर्स, जॉकी यश नरडू, 4 रन हो चुके, 4 टाइम विनर है, लास्ट टाइम 4 लेंस जीत चुका है फिलीज में, ओके वेट भी कम लेके जा रहा है, अभी सेम राइडर है, ऊपर से फ्रंट रनर है घोड़ा, ऑफकोर्स लास्ट टाइम अच्छा फील था नेचुरल ग्रेस उधर पर ट्रैकिला विन हो चुका है, ओके बहुत पहले देखिए इंडियन स्टॉम को भी मार चुका है सी सॉल कार्मल को, सो बेस्ट घोड़ा है ट्रैकिला, ओके तो बात करते हैं उसी रेस का, कैलकाटा का फिफ्थ रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 4 नंबर हॉर्स फैंसी नैंसी जो कि ये संदेश, ओके ऑफकोर्स बिकॉज रन अच्छे है हमेशा बोर्ड पे, लास्ट टाइम भी 2 टाइम विनर है, वेट भी कम लेके जा रहा है इस वक्त, टॉप राइडर था अभी संदेश को बेटा है, ऊपर से स्टार्ट भी अच्छा ले तो घोड़ा, जस्ट अभी तक इतना खास तो फील्ड नहीं देखा है, बस रन अच्छे फॉर्म में घोड़ा बस। सो मेरे सबसे यहाँ पे फिफ्थ रेस में 4 एंड 5 में आपको जो बेस्ट लगे उसका विनिंग अप्रेसिंग का चांस ले सकते हैं। तो बात करते हैं अभी कैलकाटा का सिक्स द लास्ट रेस ऑफ द डे द मून मिशन हैंडीकैप क्लास 4 1400 मीटर, सो कैलकाटा का सिक्स रेस का हमारा जो फर्स्ट चॉइस है डेट इज अ 2 नंबर हॉर्स एरोपोली जो कि है यश डेरिडू, ऑफकोर्स बिकॉज रन अच्छे हमेशा बोर्ड पे, लास्ट टाइम भी एज अ फेवरेट है सेकेंड हो चुका है, वेट सेम कैरी करके जा रहा है, सेम राइडर है, स्टार्ट भी अच्छा लेता घोड़ा, नॉर्वेजियन वे जैसे घोड़े को सेकंड पर इतना खास तो नहीं था नॉर्वेजियन वे, बट बहुत पहले देखिए लेडी सनशाइन को एक बार सेकंड हो चुका है, ओके बहुत पहले लेडी सनशाइन को भी थर्ड भी हो चुका है, थोड़ा अच्छा ही घोड़ा है एरोपोली, आजा रचा है बोर्ड पे फॉर्म में। तो बात करते हैं उसी रेस का, कैलकाटा का सिक्स रेस का हमारा जो सेकेंड चॉइस होगा डेट विल बी अ 11 नंबर हॉर्स एवॉन जॉकी जे एच आर रूल, ओके 1 ही रन हो चुका है, लास्ट टाइम डिफरेंट हैडली का सेकेंड हो चुका है घोड़ा, वेट अभी बहुत कम कैरी करके जा रहा है, सेम राइडर है, ऊपर से फ्रंट राइडर है, फॉर्च्यून वॉर जैसे घोड़े को सेकेंड हो चुका है, सो इतना ही बोल सकता हूँ। तो फिर भी लास्ट रेस है मेरे सबसे सिक्स रेस में 2 एंड 11 में आपको जो बेस्ट लगे उसका प्लेसिंग का चांस दीजिए। तो ये रहा हमारा टोटल कैलकाटा रेस का सिक्स रेस का टिप्स एंड सिलेक्शन, आया वो कार्ड देख के तो ऐसा लग रहा है ठीक ठाक है मेरे सबसे भी ठीक ठाक ही कार्ड है, बट रेस है तो इसलिए पूरी रेस मत कीजिए, जो भी आपको बेस्ट लगे पूरे दिन में एक या दो घोड़े जो आपको प्रॉफिट करा सके वही रेस कीजिए। सो बेस्ट गुड लक फॉर दी कैलकाटा रेस, तब तक के लिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेस के साथ।